आज के इस संवाद में सभी सुधीजनों का स्वागत है। मेरा आज का विषय मैकियावेली का चिंतन। मैकियावेली की विचारधारा राज्य के अस्तित्व को कायम रखने का सिद्धांत है, न कि राज्य का, यानी उसने जो राज्य शिल्प के सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है। मैकियावेली से नए राजनीतिक व्यवहार ज्ञान की प्रतिष्ठा मानने वालों का मंतव्य है कि मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य को खोखले आदर्शों और जर्जर धार्मिक व नैतिक रूढ़ियों से मुक्त कर इस शक्ति पर आधारित किया है। राज्य के ढांचे और राजाओं के कर्तव्यों को प्राचीन यूनानी और मध्यकालीन मापदंडों में जकड़ने के बजाय मैकियावेली ने इसे समकालीन परिवेश और यथार्थवादी दृष्टिकोण के आलोक में निर्धारित किया। राज्य के स्वरूप और उसके प्रभावशाली सक्रियता से संबंधित उसने जो कुछ विचार और शिक्षाएं दी, उसे इतिहास के आग में तपाकर खरा बनाया। इसलिए मैकियावेली के राज्य व्यवहार संबंधी स्फुट विचार इतिहास की सच्चाई से अनुशासित होकर स्थिर व शांतिपूर्ण राज्य के दस्तावेज हो गए हैं। मैकियावेली के ये विचार उसके विश्वविख्यात ग्रंथ प्रिंस में संकलित हैं। 16वीं सदी से प्रारंभ हुई आधुनिक राज्य और राज्यों और राष्ट्रों की विकास यात्रा में मैकियावेली ने एक सशक्त भूमिका निभाई है। प्रथम आयाम इसका, मैकियावेली पर पुनर्जागरण की चेतना साकार और स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वह मध्यकाल की परलोक प्रियता अदरवर्ल्डलीनेस के खिलाफ एक चीख बनकर सामने आता है। मानव स्वभाव और राज्य के विषय में पूर्ण प्रचलित दकियानुसी विचारों और मान्यताओं के समक्ष वह अकेले अकर कर खड़ा हो जाता है। मैकियावेली नए राष्ट्रीय राज्य की स्थापना और सुरक्षा के लिए चट्टानी शहतीर की तरह अवलंबनता है। मैकियावेली के प्रिंस और उसके राज्य के विषय में नए सिद्धांतों पर प्रकाश डालने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि मानव और उसके स्वभाव के बारे में मैकियावेली किस कोण से सोचता है। उसकी पहली प्रतिस्थापना, प्लेटो और अरस्तु के विपरीत, मैकियावेली आदमी के को दुर्गुणी, लोभी, हिंसक, अराजक व जंगली मानता है। वह साफ तौर पर कहता है कि मनुष्य किसी नैतिक या आचरणगत सिद्धांत का पालन वस्तुवादी दृष्टि के आधार पर नहीं करता। वह जो कुछ भी करता है स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है। उपयोगिता उसका मूल मंत्र है। वह लोलुप इतना है कि शक्ति, धन और पद के लिए अपनों का भी रक्त बहाने पर उतारू हो जाता है। इस संबंध में मैकियावेली ने लिखा है कि मैन मोर रैपिडली फॉरगेट द डेथ ऑफ फादर देन द लास्ट पैट्रिमनी। प्रिंस के 17वें अध्याय में वह कहता है कि मनुष्य मूलतः कायर है, झगड़ालू भी है, डरपोक भी। सेबाइन ने मैकियावेली द्वारा वर्णित ऐसे मनुष्यों को मास्टरलेस मैन कहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्ल डब्ल्यू डिटेंच अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में लिखते हैं कि मैकियावेली के मानव स्वभाव और आपसी संघर्ष व प्रतिस्पर्धा में चार्ल्स डार्विन के पशु जगत पर दिए गए एनिमल किंगडम पर दिए गए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पूर्वाभास मिलता है। सारांश में मैकियावेली कहता है कि भय मनुष्य की चेतना और जीवन पर छाया रहता है। वह अशांति व अराजकता के वातावरण में मृत्यु भय से संतरस्त रहता है। दूसरी स्थापना, मैकियावेली के अनुसार राज्य इसी भय, मृत्यु भय का साकार प्रतिरूप है। इसी आधार पर वह राज्य को अप्राकृतिक भी मानता है। भय व आतंक से भरी जैसी कल्पना, काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था मैकियावेली में दृष्टिगोचर होती है। वह हाब्स की कल्पना से सुमेल खाती है, स्थापित करती है। इस प्रकार मैकियावेली में हाब्स की राजनीति का धूमिल प्रकाश या पूर्वाभास दिखाई पड़ता है। मैकियावेली का राज्य सेकुलर स्टेट है। इस राज्य का उद्देश्य केवल राज्य की स्थिरता व स्थायित्व की रक्षा है। वह इसे मैजेस्टी ऑफ स्टेट कहता है। यह मैजेस्टी यानी शान शौकत राज्य को नीति और धर्म का लबादा उढ़ाने से नहीं, वरन शक्ति से अभिशप्त करने से उत्पन्न होती है। मैकियावेली के संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, प्रिंस एंड वुड बी प्रिंस। ये दोनों प्रकार के शासकों में अंतर इतना ही है कि शासक संख्या में कम होते हैं परंतु शक्ति के केंद्र होते हैं, जबकि वुड बी प्रिंस संख्या में अधिक परंतु सत्ता शक्ति के केंद्र से दूर होते हैं। कालक्रम में वह शासक पदच्युत होकर तिरस्कार और पतन का भागीदार होता है।
जो शक्ति संघर्ष में मानवीय कमजोरियों के कारण पिछड़ या परस्त हो जाता है। आधुनिक युग में मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम यह बताया कि स्टेट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर, इट इज़ अ सुप्रीम पावर। इन दिस सेंस मैकियावेली वॉज द फर्स्ट ग्रेट थ्योरिस्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। मैकियावेली की चिंता एक कट्टर राष्ट्रवादी देशद्रोही देश प्रेमी की चिंता थी। वह विभक्त इटली की अस्तव्यस्त राजनीतिक काया पर फ्रांस स्पेन के अत्याचार से मर्माहत हुआ और दूसरी तरफ अपने गृह राज्य से पुनर्जागरण की शक्तिशाली व रचनात्मक चेतना से आप्लावित हुआ। पुनश्च मैकियावेली की राजनीतिक गूढ़ दर्शन की भीत न होकर आंसू और मुस्कान संकट और आशा का शिलालेख है। उसने राजनीति को नीति और धर्म की आज्ञानुवर्ती के द्वयम दर्जे से निकालकर प्रथम स्थान प्रदान किया। उसके अनुसार राजनीति धर्मनिरपेक्ष और नीति निरपेक्ष है, प्लेटो से भिन्न। ये दोनों राजनीति के साधन हैं, क्योंकि कोई नैतिकता शाश्वत व सनातन नहीं होती। यह परिस्थिति जन्य और उपयोगिता पर आधारित है, इसलिए यह परिवर्तनशील है। नीति अनीति का कोई भेद नहीं है। राज्य की सुरक्षा की कीमत पर नीति पालन आवश्यक नहीं है। इस आधार पर मैकियावेली को अनैतिक और आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। ही वॉज नॉट इमोरल बट अनमोरल, नॉट इरिलीजियस बट अनरिलीजियस। इसी क्रम में कार्ल डब्ल्यू डिन डच ने अपना मत व्यक्त किया, मैकियावेली बिलीव्ड इन एन एथिक्स ऑफ पावर एज वेल एज इन पावर पॉलिटिक्स। ए प्रिंस हैड ओनली वन एसेंशियल वर्च्यू, ही हैड टू बी रेडी टू डू एनीथिंग इन ऑर्डर टू गेट पावर एंड टू कीप एंड इनहेंस इट। इसी एथिक्स ऑफ पावर के अनुसार प्रिंस को सभी परंपरागत सद्गुणों दयालुता, सदाशयता, उदारता, ईमानदारी, साहस आदि की खान होने का छद्म करना चाहिए। यहाँ तक कि मैकियावेली ने यह भी राज्य शिल्प बताई है कि राज्य हित में अगर राजा को टाट ओढ़ना और भस्म रमाना पड़े तो उसे करना चाहिए। इफ़ ए प्रिंस डिड नॉट रियली विश टू प्रे इन चर्च, इट ही शुड स्टिल टेक गुड केयर टू बी सीन इन चर्च। मैकियावेली ने मुखर स्वर में घोषित किया कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। राज्य व निरंकुशता इसलिए अनिवार्य है क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी वह अराजक है। उसके अनुसार घोर व्यक्तिवाद घोर निरंकुशता को जन्म देता है। मैकियावेली के प्रिंस में डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी का प्रतिबिंब झलकता है। उसके अनुसार प्रजा को ईमानदारी, सत्यवादिता, स्वामी भक्ति, शांतिपूर्ण और निस्वार्थ आचरण और अपने से बड़ों की आज्ञा पालन के नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। परंतु ये नियम शासकों के लिए बाध्यकारी नहीं है। वे राज्य की सुरक्षा और शक्ति संवर्धन के खातिर इतना त्याग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे मैकियावेली का प्रिंस रीजन ऑफ स्टेट की रक्षा के लिए लूटपाट, हत्या, धोखाधड़ी भी कर सकता है। इन मैकियावेलीज वर्ड प्रिंस एंड स्टेट्स हैड ओनली वन ड्यूटी, सेल्फ प्रिजर्वेशन, वन रूल ऑफ कंडक्ट, सेल्फिशनेस, वन फंडामेंटल गोल, द इनक्रीज ऑफ देयर पावर। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजसत्ता को बनाए रखने के लिए शासक मैकियावेली के अनुसार साम दाम दंड भेद, बेईमानी, हत्या, प्रवंचना, आडंबर आदि किसी भी उपाय का प्रयोग कर सकता है। आदर्श शासक वही है जो शक्ति, धोखा और पक्षपात लेकर चले, शेर की तरह शक्तिशाली हो और लोमड़ी की तरह चालाक हो। वह कार्य सिद्धि के बाद साधन को मिलने वाली प्रशस्ति के संबंध में लिखता है कि राजा को तो राज्य की सुरक्षा की चिंता रखनी चाहिए, साधन तो हमेशा आदरणीय ही माने जाएंगे और सामान्यतः उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।